नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जब किस्मत में पहले ही लिखा जा चुका है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रोल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या काम है यार, अगर हमारी किस्मत में पहले ही कुछ लिखा जा चुका है। एक्स वाई जेड कुछ भी है, वो पहले से लिखा जा चुका है। अच्छा हो या बुरा हो, हम कुछ नहीं बदल सकते, हमारी तो किस्मत में लिखा जा चुका है। तो आज बहुत मजेदार आंसर आपको मिलने वाला है। देखिए, ये जिसकी बात आप कर रहे हैं ना कि ये पहले से लिखा जा चुका है, ये आपने सुन लिया है, ये आपने पढ़ लिया है, ये आपने जान लिया है, और मैं भी आपको बोलती हूँ कि ये बिल्कुल सच है, एकदम शत प्रतिशत ये सत्य है कि आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ था जो आपको मिला है। ठीक है, अब पीछे चलते हैं। जब ये लिखा गया था, जब ये लिखा गया था तब क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे थे? ज्यादातर केस में, 100% केस में पता ही नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो मार्केट में ही अभी अभी आया है, ये जो नाम है ये अभी अभी आया है, लेकिन पहले से ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे थे और उसका जो लेखनी है, जो आपने किया है और वो जो आपकी किस्मत लिखी गई है, वो पहले फॉलो किए हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ही लिखी गई है। और वो आप आज अट्रैक्ट करके बैठे हुए हैं आपकी लाइफ में जो कुछ भी घट रहा है। आपने अगर ये वाली बात कहीं से सुनी भी है ना, तो ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही घटा है आपकी लाइफ में, और ये सुना भी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही है। ये सेंटेंस तक आपके कान के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पहले फॉलो करने की वजह से आज आपकी जिंदगी में आकर के घट गया है। आपने सुन लिया है और सुनने के में अब आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पहले किए हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के बाद है, जो आपको पता हो या ना पता हो। ये पूरी दुनिया में हर किसी के लिए ये नियम काम कर रहा है, चाहे वो जानता हो चाहे वो ना जानता हो, चाहे वो इसको कॉन्शियसली फॉलो कर रहा हो, चाहे वो इसके ऊपर 10 मेथड लगा करके इसको कर रहा हो, चाहे उसको बिल्कुल भी ना पता हो और उसकी प्रोग्रामिंग वैसी ही हो, उसके बिलीव्स वैसे ही हो, उसकी लाइफ बिल्कुल उसका अट्रैक्शन है जिसे वो जी रहा है। यानी कि आपकी किस्मत में ये लिखा जा चुका है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या काम? अगर आपने वो पहले लिखा है और आपको अभी मिल रहा है, तो जो आप अभी लिखेंगे वो आपको कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये भी तो आपका कल का लिखा हुआ है ना, जो आपने आज किया। लेकिन तब दिक्कत क्या थी, आपको पता ही नहीं था, जो हो रहा था आप उसके हिसाब से चल रहे थे, माइंड में जो आ रहा था वो आप कर रहे थे, अच्छा बुरा सही गलत सबक किए जा रहे थे, एनर्जी का कुछ पता ही नहीं था वो भी आप किए जा रहे थे, कर्मों का कुछ पता ही नहीं था वो भी आप किए जा रहे थे, धार्मिक ग्रंथों को साइड करके सोच लिया था अरे सब बढ़िया है वो भी आप किए जा रहे थे। तो धीरे धीरे करके आप धर्म से दूर होते गए, अच्छे कर्म से दूर होते गए, अच्छी बातों से दूर होते गए, अच्छी फ्रिक्वेंसी से दूर होते गए, अच्छे संस्कारों से दूर होते गए, और धीरे 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 करके एक दिन ये आ गया कि ऐसे परिवार में, ऐसे संस्कारों में, ऐसे दोस्तों में, ऐसी चीजों में आप अट्रैक्शन का एक केंद्र बन गए और आपने वही चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये आपका किया हुआ ही है और यही लेखनी बन के आपके सामने आया है। लेकिन आप भाग्य बदल सकते हैं, ये भी मैं नहीं कह रही हूं, ये श्रीमद् भगवत गीता के अंदर साफ तौर से आपको मिल जाएगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, वहां से समझने की कोशिश कीजिए कि आप अपने भाग्य को स्वयं ही बदल सकते हैं, खुद ही बदल सकते हैं। तो वो और कोई तरीका नहीं होता है, उसको बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नाम दे दिया गया है। आप अभी से अपनी दृष्टि बदलेंगे, आपकी सृष्टि आगे जाकर के बदलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो बदलने के लिए पहल तो आप ही को करनी पड़ेगी ना। पहले पहल आप नहीं की थी। आप कभी ऐसे डीप में जाकर के सोचते हैं, इसका जीवन अलग, मेरा जीवन अलग, इसका जीवन अलग, चार लोग रह रहे हैं उन चारों का जीवन अलग, एक ही घर में तीन चार लोग रह रहे हैं वो तीन चार के तीन चार का जीवन अलग, एक ही मोहल्ले में इतने सारे परिवार हैं सबके परिवारों का जीवन अलग, उस परिवार के अंदर अलग अलग मेंबर हैं उन सब मेंबर्स का जीवन अलग, कैसे कैसे? हमारी खुद की कहानियों से, हमारी खुद की लेखनी से हमने ये लेखनी बनाई है, अपने कर्म करके ये लेखनी बनाई है हमारे विचारों से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विचारों को आज अभी इसी वक्त कॉन्शियसली चेंज करने के लिए आपको उतावलापन देता है, आपको जागृत करता है, आपको बोलता है जागो 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 भाई, अच्छा सोचो अच्छा सोचो अच्छा सोचो, आज झूठ लगे कोई बात नहीं, एक झूठ को 100 बार भी बोलोगे तो एक दिन तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि ये सच है, तो क्यों नहीं आप अच्छा करते हैं, क्यों
नहीं, आज से आप अच्छा लिखना शुरू करते हैं। जो भी कल का किया हुआ है वो आज आपको मिला है, आज आप जो भी कर रहे हैं वो आपको कल मिल जाएगा। इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए, आप अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, आप अपने विचारों का परिणाम स्वयं बन रहे हैं। आज आप जो भी हैं अपने पुराने किए हुए विचारों का परिणाम है, क्योंकि विचारों से ही आपके एक्शन बने थे, एक्शन से ही आपने कर्म किए और कर्म से ही आप बने। और आज आप जहां पर भी हैं वो आपकी किस्मत की लेखनी है, और वो किसी और ने पेन पकड़ करके और कॉपी पकड़ करके नहीं लिखी है, वो आपने स्वयं लिखी थी इसलिए आपको स्वयं मिली है। मैंने स्वयं लिखी थी अच्छी बुरी, वो मुझे स्वयं मिली है। आज जो मैं लिख रही हूं वो भी मुझे स्वयं ही मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि आप क्या लिख रहे हैं। जो लिख के आए थे कोई बात नहीं है, आप उसे मिटा सकते हैं, आप उसे धीमा कर सकते हैं, आप उसे हल्का कर सकते हैं। जहां जहां मैं आप लोगों को खुद को हील करने की बात कहती हूँ, अपने कर्मा को क्लींस करने की बात कहती हूँ, अपने आप को शांत करने की बात कहती हूँ, पॉजिटिव होने की बात कहती हूँ, वो और कोई बात नहीं है, वो आपके विचार ही हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी है, आपकी वाइब्रेशन है, आप हैं स्वयं, क्योंकि आप ही अपने निर्माण करता हैं, आप स्वयं ही एक वो हैं, क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप लेखक हैं, आप खुद के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप कैसी मूवी बना रहे हैं, आप जैसी भी मूवी बनाएंगे वही एडिट में जाएगी, और जैसी भी वो एडिट होगी वो दुनिया को परोसी जाएगी, और फिर पूरी दुनिया देखेगी। अब यहां पर वो बता देगी मूवी हिट है या फ्लॉप है, वो आपका जीवन है। तो वो भी पहले लिखी ही गई थी, तो लेखक भी आप ही हैं, लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्पॉट दादा और सबके सब जितने भी हमारे टीम में काम करते हैं ना लोग, बस वो सबके सब हम हैं। और ये स्क्रिप्ट हमारी लिखी हुई है, और ये स्क्रिप्ट पर्दे पर उतरती ही उतरती है। जैसे एक चीज लिखी जाती है, डायलॉग्स लिखने में टाइम लगता है, स्क्रिप्ट लिखने में टाइम लगता है, फिर उसकी शूट होने में टाइम लगता है, एक एक दिन करके कई कई महीने लग जाते हैं एक छोटी सी 3 घंटे की मूवी बनने के लिए, एक एक घंटे का एपिसोड बनने के लिए कई कई दिन लगते हैं, कई कई महीने लगते हैं, ऐसे ही सामने नहीं आ जाता है। तो ये तो जीवन है, क्या इसको टाइम नहीं लगा होगा? तो अब आपको समझना है कि किस्मत में ये लिखा हुआ था तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या काम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिना किस्मत के लिखने का कोई काम ही नहीं। यह आकर्षण का सीधा सीधा सिद्धांत है जो आपकी खुद की हुई चीजों से किस्मत में लिखा जा चुका है। लेकिन अगर बुरा लिख भी लिया है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। यही तो ब्यूटी है, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो संभालिए खुद को, उठिए और दोबारा से चलना शुरू कीजिए। धीरे धीरे करके आप भागने लगेंगे और आपकी किस्मत चमक जाएगी। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।